हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 3.2 का ही प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 5 तक सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, यदि कॉट एक्स बराबर 3/4 दिया गया है और एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य पांच त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहां पर हम लिखेंगे हल कॉट एक्स बराबर 3/4 और एक्स क्या है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इसका मतलब क्या है कि तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, कॉट और कॉट का उल्टा जो होता है टेन, ये दोनों तो धनात्मक होते हैं, लेकिन इन दोनों को छोड़कर बाकी चार अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं, इसलिए एक्स क्या है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम एक फार्मूला की बात करें तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसके द्वारा हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के वैल्यू को अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमें जरूरत है कॉट एक्स की, कॉट की जरूरत है। तो यहाँ पर क्रमशः होते, पहला होता है एल बटे के साइन, ए बटे के होता है कॉस, और यहाँ पर एल बटे होता है, यहाँ पर टेन होता है, लेकिन यहाँ पर हमें कॉट चाहिए। तो यदि हम इसको उल्टा कर दें एल बटे को, तो ए ऊपर पहुंच जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो कॉट एक्स बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि जो कोटेक्स बराबर होता है, तो यहां पर हमने लिखा कोटेक्स बराबर आधार बटे लंब। अब इसके बाद इसी का मान दिया गया है 3/4, तो यहां पर आधार का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और लंब का मान यहां पर 4 हो जाएगा, लेकिन यहां पर हमें कर्ण का मान पता नहीं है। तो इसको हम यदि ज्ञात कर लें तो हम आसानी से पांच त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमें क्वेश्चन में पूछे गए हैं इनको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से यदि हम एक त्रिभुज को बना लें इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाया, इसको यदि हम एबीसी नाम दे दें, इस प्रकार से एबीसी, और यहाँ पर यदि हम कोण भी 90° माने, समकोण माने, और यहाँ पर इसको हम बिंदु सी को यदि हम थीटा माने, तो समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा यहाँ पर क्या है, एसी है, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। इसके बाद थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा ए बी है, तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इसके बाद जो शेष भुजा होती है वह क्या होती है, आधार होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आधार का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो यहाँ पर हम आधार का मान 3 रखेंगे। लंब की जगह लंब का मान 4 दिया गया, तो यहाँ पर लंब का मान 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, यदि हम कर्ण का मान ज्ञात करें तो इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जब भी हमें दो मान दिए हों और एक मान को ज्ञात करना होता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको तो पता होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां पर हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग, तो यहां पर हमने लिखा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसके बाद यहां पर सबसे पहले यदि यहां पर हम कर्ण की जगह कर्ण जो यहां पर हमने भुजा मानी है एसी, तो यहां पर हम एसी लिखेंगे, या फिर आप डायरेक्टली चाहें तो मान भी रख सकते हैं। तो यहां पर कर्ण क्या है, एसी भुजा, वर्ग जहां कितना लगाया, लंब हमने बीसी भुजा बी ए बी भुजा को माना है, तो यहाँ पर हम ए बी लिखेंगे, और यहाँ पर वर्ग को जहाँ कितना लगाएंगे, प्लस चिन्ह जहाँ कितना, आधार की जगह आधार बीसी भुजा को हमने माना है तो यहाँ पर हम बीसी लिखा, और वर्ग को हमने जहाँ कितना लिखा है। इसके बाद यहाँ पर हम इन सभी के मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर ए सी का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम ए सी को जहाँ कितना लिखेंगे, वर्ग जहाँ कितना, ए बी की जगह ए बी का मान यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 है, तो यहां पर हम 4 रखेंगे, वर्ग जहां कितना, और यहां पर प्लस चिन्ह भी जहां कितना। बीसी की जगह बीसी का मान यहां पर 3 दिया गया, आधार का मान, तो यहां पर हमने 3 लिखा और वर्ग को जहां कितना लगाया। इसके बाद यदि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहां पर हम एसी के वर्ग को जहां कितना लिखेंगे, और यहां पर 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यदि हम 4 को दो बार लिखेंगे, गुणा करेंगे, तो 16 आएगा, और यहां पर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद यदि हम आगे सॉल्व करें तो एसी का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 और प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे।
इसके बाद जब यहाँ पर हमें, चूंकि यहाँ पर हमें एसी का मान ज्ञात करना है, एसी का मान यानी कि कर्ण का मान ज्ञात करना है, इसलिए जब भी यहाँ पर वर्ग हटाते हैं तो इस तरफ क्या आ जाता है, वर्गमूल आ जाता है, कर्णी लग जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसी बराबर अंडर रूट 25, कर्णी 25। और यहाँ पर 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि यदि हम 25 को इस प्रकार से लिख दें कि 5 × 5, तो यहाँ पर 5 की जोड़ी बन जाएगी, तो एसी का जो मान हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कीजिए, तो इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एक्स है वह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, चूंकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर यह चतुर्थांश किस लिए होता है, यह चिन्ह के लिए होता है। तो यदि हम चिन्ह की बात बाद में करें, तो सबसे पहले यदि हम इनके मानों को ज्ञात कर लें, तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो आपको कोट एक्स का मान दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, कॉस एक्स और सेक का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए साइन एक्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस फार्मूला से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। तो यहाँ पर साइन एक्स बराबर क्या होता है, एल बटे के लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर यदि हम लंब बटे कर्ण की बात करें, तो लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। चिन्ह को हम बाद में लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कॉस एक्स क्या होता है, ए बटे के यानी कि आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस एक्स बराबर ए बटे के आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान यहाँ पर 3 है, कर्ण का मान 5 है, तो यहाँ पर 3/5 हो जाएगा कॉस एक्स का मान। तो यहां पर हमने लिखा 3/5। इसके बाद यदि हम टेन एक्स की बात करें, तो टेन एक्स होता है कोट का उल्टा, कोट का उल्टा टेन होता है, और टेन का उल्टा कोट एक्स होता है। तो टेन बराबर क्या होता है, एल बटे लंब बटे आधार होता है, तो लंब की यदि हम बात करें तो 4 है और आधार का मान 3 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, टेन एक्स का मान 4/3 हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर हमने टेन एक्स बराबर 4/3 लिखा। इसके बाद यहां पर जो साइन का उल्टा होता है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, तो यहाँ पर यदि हम इसी को उल्टा कर दें, या फिर कॉस एक्स बराबर क्या होता है, के बटे एल होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो यदि कर्ण की बात करें तो 5 है, लंब 4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/4। इसके बाद कॉस एक्स का उल्टा जो होता है वह सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स का मान हम ज्ञात करेंगे, तो सेक बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ण बटे आधार होता है, तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना है, 5 है, और आधार का मान 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5/3, यही sec x का मान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यदि हम चिन्ह की बात करें, तो चूंकि x क्या है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर यदि हम चतुर्थांश की बात करें, तो x क्या दिया गया है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, टेन, और टेन का उल्टा तो धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स, कॉस एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स, कॉस एक्स और सेक एक्स और कॉस एक्स, ये क्या से होते हैं, नेगेटिव होते हैं, माइनस के होते हैं, लेकिन यहाँ पर टेन एक्स और टेन का उल्टा कॉट, ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर टेन एक्स भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस चिन्ह लगाए हैं चाहे ना लगाए यहाँ पर माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन में आपको कॉट एक्स का मान तो दिया गया है, तो यहाँ भी आपका प्लस में दिया गया है मान, 3/4 दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम साइन एक्स की बात करें, तो ये भी माइनस का होगा, कॉस एक्स भी माइनस का होगा, कॉस एक्स भी माइनस का होगा, और यहाँ पर सेक एक्स भी माइनस का होगा। यहाँ पर 4 त्रिकोणमितीय फलनों के मान माइनस होंगे, लेकिन यहाँ पर 10 और 10 का उल्टा कॉट एक्स कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, यही आपके अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हर वर्ष आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।